हेलो गाइस, तो जी गाइस सभी को मेरी तरफ से ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी चैनल देखने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर नमस्कार, सत श्री अकाल एंड राम राम जी। तो गाइस आज का जो अपना टॉपिक है, आज मैं आपके साथ ऐसी एक बात शेयर करूंगा जो मतलब जो लोग इस टाइम अपने बच्चों को स्टडी बेस पे बाहर फॉरेन कंट्रियों में भेजना चाहते हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स के लिए है ये और बच्चों के लिए भी है ना। तो हम पिछले दिनों में मतलब पिछले एक दो साल से बहुत से केस ऐसे हो रहे हैं इन कंट्रियों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहाँ पे बच्चे स्टडी बेस पे जा रहे हैं, सिर्फ उन कंट्रियों में हो रहा है ये ज़्यादा, ठीक है। और पीछे कनाडा में मेरे ख्याल से एक साल के अंदर 10-12 केस ऐसे हमें सुनने को मिले थे। तो कभी ओंटारियो में हो जाता है, कभी कैलगरी में हो जाता है, कभी यहाँ वैनकूवर सरी में हो जाता है ना, जहाँ भी स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हों, तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स के साथ कुछ हैपन्ड हो, दुर्घटनाएं घट जाती हैं, है ना। तो गाइज उसमें ऐसे है कि ये वीडियो मेरी पेरेंट्स के लिए है और जो बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, जो आने की का सोच रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि आजकल ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था ऐसा कुछ, ठीक है। आजकल बच्चे डिप्रेशन में बहुत आ जाते हैं बाहर आके, और मेंटली हेल्थ उनकी सही नहीं रहती है ना, क्योंकि उनके ऊपर एकदम से इतनी जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, अपना रहना, खाना पीना, खर्चा, फीस भरना, फिर जॉब नहीं कई बार बच्चों को मिलती, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बैड पोजीशन से बच्चे गुजर जाते हैं कई बारी। और दूसरा चक्कर क्या है कि कई बच्चों को पीछे से भी प्रेशर होता है इंडिया में कि भाई कर्जा उतारना है, पैसे भेज, ठीक है, वो फलाने का लड़का इतने भेज रहा, तू नहीं भेज रहा, ये वो, यार हर एक का अलग सिनेरियो है ना। तो बच्चे को मतलब चलो ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, या दूसरे भी बोलते हैं कि उसने इतने पैसे भेजता है, वो हर महीने वहाँ से इतने भेज रहा है, तेरा पता नहीं क्या है, तू काम नहीं सेट है, तू पैसे नहीं भेज रहा हमारे पास, पीछे कर्जा चढ़ रहा है, तेरे को कर्जा लेके भेजा है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को अंदर ही अंदर ख़त्म करती हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँ कि ये हर एक बच्चे के साथ होता है, यहाँ पे स्टूडेंट के, हम भी स्टूडेंट थे तो हमने सारा कुछ फेस किया हुआ है ना। तो गाइज इसमें होता ऐसे है कि जैसे बच्चे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद तो हाँ, मैं आपके साथ स्टोरी जो शेयर करूँगा वो मैंने सुना ही था अब तक यहाँ पे बीसी में, भाई ऐसे हो रहा है। पर एक हमारी नॉन एक लड़की है जिसको हम किसी वजह से जानते थे, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आज मेरा मन किया कि यार मैं वीडियो बनाता हूँ इस बारे में, और आप लोगों को पता लगे कि कनाडा की जो मतलब वैसे अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, पर आज मैं आपको एक माइनस पॉइंट भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो सकता है बच्चों के साथ, ठीक है। तो पर ये होता है कोई मतलब चांसेस इसके 1-2% ही होते हैं, पर फिर भी मतलब सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, ठीक है। शायद मेरी ये वीडियो किसी बच्चे की हेल्प कर पाए, किसी पेरेंट्स की हेल्प कर पाए, ठीक है। जैसा यहाँ पे लड़की के साथ हुआ ऐसा मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ ना हो, ठीक है जी। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या होगा उसके साथ, ठीक है। तो दूसरा सुनो कि जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ आने के बाद बच्चों को बहुत समस्याएँ आ जाती हैं, खासकर उन बच्चों को ज़्यादा समस्या आ जाती है जो बेचारे वहाँ पे जिनके पेरेंट्स ने उनको कर्जा लेके भेजा है, या कोई ज़मीन गहने रख के भेजा है, या वो इधर उधर से कर कुर के जुगाड़ करके भेजा है ना। तो बच्चे को यहाँ पे आके अपनी फीस भी भरनी पड़ती है, आजकल थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि जो पहले $600-700 में GIC में बच्चे को पूरा पड़ जाता था, $600-700 में खर्चा एक बच्चा सर्वाइव करता था, अब वही बच्चा $1100-1200 में करता है, ठीक है। तो गाइस जितने भी बच्चे इंडिया से स्टडी वीज़े की फाइल लगाते हैं, है ना, वो सब या तो यहाँ BC आ जाते हैं, BC में भी वैनकूवर सरी, ठीक है, ये इस लोअर मेनलैंड के एरिया में, और उधर GTA चले जाते हैं, जो टोरंटो का जो एरिया है, ओंटारियो है ना, ब्रैम्पटन, उधर चले जाते हैं। हर एक अगर 100 स्टूडेंट इंडिया में से आ रहे हैं एवरेज, तो उसमें से 90 स्टूडेंट्स सरी, वैनकूवर और उधर ब्रैम्पटन में आ जाते हैं, टोरंटो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा है, आपको मैं बताऊँ कि बहुत स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट आने की वजह से यहाँ पे बच्चों को काम कम मिलता है, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होता नहीं किसी चीज़ का, तो उनको जल्दी सी फर्स्ट जॉब लगने में उनको बड़ी समस्या आती है बच्चों को। पर रेफरेंस से चलो थोड़ा बहुत कोई जानकार है लगवा देता है ना, पर फिर भी
चार चार पाँच पाँच महीने भी बच्चे आजकल खाली रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना स्टूडेंट आ रहा है इस टाइम। हाँ, अगर बच्चा कैलगरी चला जाए, एडमिंटन चला जाए, या बीसी में आ जाए, बीसी के किसी और सिटी में चला जाए, जैसे कि कलोना चला जाए, प्रिंस जोर चला जाए, ठीक है, या आप, मैंने वीडियो बनाई थी, चिराबैक चला जाए, विस्लर चला जाए, है ना, तो वहाँ पे जॉब की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर एक स्टोर पे जॉब के लिए बंदा चाहिए, है ना, तो वहाँ पे कोई कमी नहीं जॉब की, सिर्फ जॉब की कमी यहाँ पे है, क्योंकि सब स्टूडेंट यहीं पे आ रहा है, इंडिया से, पंजाब से, हरियाणा से, जितना भी, मतलब गुजरात, जो भी स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, सब ज़्यादातर यहीं पे आते हैं, इन्हीं दो सिटी में, तो इसलिए यहाँ पे काम की कमी है बच्चों के लिए, ठीक है। सेकंड किसी का स्टडी वीज़ा, तो वो कोशिश करता है कि चलिए यार, जो मेरे जानकार रानी के पास जाऊँ, तो इन सिटीज़ में हर किसी का कोई ना कोई जानकार निकल ही जाता है, ठीक है, इसलिए भी बंदे यहाँ आ जाते हैं। तीसरा, यहाँ का वेदर अच्छा है, इसलिए बंदे बच्चे यहाँ आ जाते हैं, है ना। पर बच्चों, आप लोग, ठीक है, और सिटी में भी जाओ कैनेडा में, ठीक है, और ठीक है ना, आप और भी सिटी में जाओ कैनेडा में, सिर्फ ये दो सिटी नहीं है, बहुत बड़ा है कैनेडा, आप कहीं भी जाओ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड चले जाओ, वहाँ पे बहुत बच्चे पीआर के लिए मूव होते हैं, सस्कैचवन चले जाओ, ठीक है, और आप विनीपेग चले जाओ, ठीक है, तो मतलब बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको काम भी मिल जाएगा, थोड़ा रहना खाना पीना भी वहाँ का ज़्यादा महंगा नहीं है आपके लिए, ठीक है, रेंट भी सस्ते हैं, टैक्स भी कम है, ग्रोसरी भी सस्ती है, ठीक है, जॉब्स भी इजी मिल जाएंगी, ठीक है, ऐसे बहुत से पार्ट है कैनेडा में जहाँ बहुत रहना बहुत सिंपल और सस्ता है, ठीक है। सिर्फ ये जो गढ़, ये जो है ना हमारा लोअर मेनलैंड का एरिया जहाँ पे इस टाइम हम रहते हैं, बीटीसी ब्रिटिश कोलंबिया का जो ये एरिया है, तो ये बहुत महंगा है, यहाँ पे एकोमोडेशन भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है ना, तो यहाँ पे नए बच्चे के लिए सर्वाइव करना इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो जॉब्स बड़ी हार्ड मिल रही हैं बच्चों को आजकल, ठीक है, रिसेशन भी थोड़ा चल रहा है वर्ल्ड में इस टाइम, अमेरिका, कैनेडा, इन कंट्रियों में ऑफिशियली इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया कि रिसेशन में है, पर यह है कि मतलब लोगों की बातचीत से, जो भी यहाँ मतलब लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, है ना, उनसे बात करके पता लगता है कि वाकई कैनेडा में रिसेशन चल रहा है ना कोविड के बाद, ठीक है। तो गाइज, इसलिए आप किसी और पार्ट में जाओ अब, है ना, तो आप वहाँ पे पीआर भी इजी हो जाओगे, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, है ना। तो दूसरी बात है कि बच्चे जब आ जाते हैं ना यहाँ पे आने के बाद उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि फीस, सबसे बड़ी बात उनको फीस इकट्ठी करनी है, दूसरा अपना खर्चा, ठीक है, तीसरा जॉब की समस्याएं, चौथा इंडिया मिस करते हैं, होम सिकनेस हो जाती है उनको, ये बातें मैंने पहले भी बताई हुई हैं कि बच्चा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आके वो नशे की तरफ जाता है, नशे की तरफ जाएगा तो फिर वो बहुत बैड उसकी पोजिशन हो जाती है ना, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे नशे की वजह से भी मतलब उनको रिएक्शन वगैरह हो जाता है, जो यहाँ उल्टे सीधे नशे मिल जाते हैं कई बारी, वो करके रिएक्शन की वजह से उनकी रात को मौत हो जाती है कई बारी, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि जो इंडिया से आने के लिए बहुत लोग गलत रास्ते भी अपना रहे हैं, है ना, जैसे कि कॉन्टैक्ट मैरिज पे बच्चे आ रहे हैं आजकल इंडिया से, भाई लड़की ने आइलेट्स कर ली, लड़के ने पैसे लगा दिए, यहाँ वो आ गई, बाद में लड़के को बुला लिया यहाँ, ठीक है, तो इसमें भी फिर बड़ी समस्याएं आती हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये भी एक गलत काम है। कोशिश करो कि अपने बच्चों को कॉन्टैक्ट मैरिज बेस पे बिल्कुल ना कैनेडा भेजो, ठीक है, हाँ किसी की रियल मैरिज है एक, वो सही है, बाकी कॉन्टैक्ट मैरिज के चक्करों में ना पड़ो, उससे क्या होता है, लड़का लड़की का दोनों का मतलब फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है और पैसा भी ख़राब होता है, और बहुत से केस कैनेडा में ऐसे हुए हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं कई बारी परेशान होकर, ठीक है, जैसे पीछे इंडिया में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट मैरिज करी थी, जो यहाँ लड़की थी वो उसको बुला नहीं रही थी, तो वहाँ पे उसको लोगों ने ताने मारने स्टार्ट कर दिए, हाँ भाई कब जाएगा, गया नहीं कनेडा, तेरा तो ये हो गया, तेरा तो बेवकूफ़ बन गया, ठीक है, तो इस चक्कर में उसने प्रेशर में आके बंदे ने सुसाइड कर लिया था लड़के ने, ठीक है। ऐसे ही अभी लास्ट वीक यहाँ पे सरी में एक कांड हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये न्यूज़ वगैरह ज़्यादा आती नहीं, ठीक है, इंडिया की तरह कोई न्यूज़ नहीं चलती टीवी पे ज़्यादा, बार बार रिपीट नहीं होती है ना, तो इसलिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है, हमें भी इसलिए पता है क्योंकि हमारे नॉन थी लड़की, है ना, तो एक लड़की एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी एज ए शेफ, तो वो स्टूडेंट थी, उसने बेचारी ने दो तीन साल से रह रही थी, फीस भी भर रही थी, ठीक है, वो
इंडिया से, उसका हस्बैंड इंडिया में था, वो यहाँ पे थी, तो उसने मतलब मेहनत मोहनत करके पैसे सेव करके अपने हस्बैंड का भी वीज़ा अप्लाई किया। तो ये भी है कि उसके हस्बैंड का वीज़ा लग भी गया था, ठीक है। तो जी उसका हस्बैंड दो तीन वीक पहले कनाडा भी आ चुका है। तो कनाडा आने के बाद उसने, उसके हस्बैंड ने उस लड़की को तंग करना स्टार्ट कर दिया, टॉर्चर, कभी डांटना, मारना, पीटना, है ना, उसको ताने मारना, शक करना, मतलब ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो वो लड़की बहुत परेशान थी, तो जिस जगह पे वो काम करती थी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे मेरा जानकार काम करते हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बताया कि वो लड़की बहुत डिप्रेस थी, ठीक है, मेंटल बहुत उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, मतलब उसकी, है ना, डिप्रेशन में थी। बाकी वो फिर भी जैसे कैसे काम भी कर रही थी, अपना घर भी चला रही थी, है ना। तो उसको कईयों ने सलाह भी दी, भाई जब इतनी परेशान है तो अलग हो जाओ इससे, क्योंकि यहाँ पे तो भाई देखो एक फ़ोन मारो पुलिस में 911, तभी 2 मिनट में पुलिस आके बंदे को अलग कर देती है, और ऐसा कर देती है कि बंदा उसके पास 100 मीटर तक उसके पास नहीं आ सकता बंदा, ठीक है। यहाँ पे पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए था उसको, है ना। तो बाकी उसने नहीं किया कॉल पुलिस में, अपना इंडिया के बारे में सोच के, लोग क्या कहेंगे, ये वो हरा वो, भाई पिसती रही बेचारी। तो हुआ क्या, एक दिन अभी लास्ट वीक ट्यूसडे को वैनकोवर से के पास एक स्काई ट्रेन पड़ता है बुराड़ स्टेशन, वहाँ पे नीचे जाके कोई पानी का कोई लेक तालाब कुछ है, ठीक है जी, पौंड वगैरह, तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है पुलिस को, किसी ने देखा तो पुलिस को कॉल किया, तो जी सुसाइड केस है वो, है ना, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप देखो कि वो लड़की कितने दिन से परेशान चल रही थी, है ना, उसने पता नहीं अपने घर भी शेयर करी होगी, यहाँ पे भी किसी ने, मतलब उस खुल के बात करनी चाहिए थी उसको, और जो लोग उसके साथ काम करते हैं उनको भी थोड़ा शक तो था भाई ये डिप्रेशन में है। पर गाइस, जो भी आप लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड रहते हो और आपके साथ कोई कोवर्कर किसी समस्या से में से निकल रहा है, कोई डिप्रेस है, परेशान है, तो प्लीज़ उसके साथ बात करो भाई समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि किसी इंसान के अंदर क्या चीज़ चल रही है, वो किस वजह से दुखी है, परेशान है, ठीक है। तो चलो जो होना था भाई हो गया, है ना, पर ये बहुत गलत हुआ। तो गाइस, जो भी बच्चे, लड़कियाँ, लड़के किसी भी वजह से परेशान हैं, तो प्लीज़ बात किया करो खुल के, अपने किसी दोस्त से बात करो, अपने इंडिया में पेरेंट्स से बात करो, अपने काम करने वालों के साथ बात करो, अपने बॉस के साथ बात करो, ठीक है, क्योंकि बात करने से सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाता है, ठीक है, और ऐसा स्टेप उठाना बहुत गलत होता है, है ना। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस कंट्री में, अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई हरास कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई काम पे आपको हरास करता है, कोई घर पे करता है, ठीक है, तो आप 911 डायल करो, और आपका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती इन कंट्रियों में, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है जी। इन कंट्रियों में तो बच्चे भी, माँ बाप भी अपने बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, तो बच्चों को, है ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तो प्लीज़, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, अगर किसी भी तरह की समस्या है उसको शेयर किया करो, किसी अपने खास दोस्त को बताओ, ठीक है, वो दोस्त कोई सलूशन ना दे, किसी और को बताओ, ठीक है, बट इतना ना जाया करो कि ऐसा कोई डिसीज़न आप ले लो, वो गलत होता है, ठीक है ना। तो हम, अगर वो लड़की बात करती, खुलती उनसे, लड़कों से जो साथ में बंदे काम करते हैं या लड़कियां काम करती हैं, तो उन्होंने इसको यही बोलना था, भाई तू हमारे घर रह ले, लड़कियों ने बोलना था, हमारे साथ मूव हो जा, रह ले, 911 कर ले, उसका रेस्टोरेंट का बॉस है वो भी ठीक ठाक बंदा है, वो भी उसकी हेल्प कर सकता था, ठीक है। पर वो है कि उसने बात नहीं करी, अंदर ही अंदर वो घुटती रही, और एक दिन उसने ये गलत स्टेप उठा दिया, ठीक है। तो बच्चों, जो भी बंदा मतलब किसी भी तरह की परेशानी से है, ठीक है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है तो यार आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो YouTube चैनल से, भाई मेरे को ये परेशानी है यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने भी एक लड़के की पहले ऐसे मदद करी हुई है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और जो मतलब जिसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते थे उसके, ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा, ठीक है, हाँ सारी, ये ज़रूरी नहीं होता कि पैसे से ही मदद होती है, बात करने से कुछ और तरह की हेल्प्स भी होती हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो बंदा आज जो डिप्रेशन में था, मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी थी, ठीक है, उसने मेरे से खुल के बात करी, आज वो PR भी है, बढ़िया काम सेट है उसका, बढ़िया रह रहा है, ठीक है।
तो गाइस किसी को भी कोई समस्या आए तो यार बात करो अपने आस पास वालों से, अपने सर्कल में बात करो, ठीक है। ऐसे स्टेप ना लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम होता है, सब पे आता है एक बार। मैं भी आज आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है। हर एक बंदा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, चाहे वो इंडिया में कहीं भी है। हर एक इंसान के पास लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत पूरी तरह फंसा होता है उस टाइम पे। पर जो लोग उस टाइम, कुछ लोगों के दोस्त यार फैमिली बहुत अच्छी होती है जो उस टाइम उनको सपोर्ट कर देती है और वो उससे निकल जाते हैं। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, पर उनको अपनी सूझबूझ से और उस टाइम को एक एक दिन करके काटना होता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा बुरा टाइम चला तो अच्छा भी आ ही जाता है, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ का हल नहीं है, अगर कोई मर जाए, मौत हो जाए, उसका कोई हल नहीं है। अदरवाइज इस धरती पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है अगर आप ढूंढो तो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी दुख के साथ या किसी अपने डिसीजन की वजह से या किसी वजह से कुछ टाइम हमारा बहुत हार्ड निकलता है ना, पर धीरे 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 जो हमारी ट्रेन है वो पटरी पे आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए बुरा टाइम है उसको निकाल दो, ठीक है, किसी कैसे भी निकालो उसको, निकलने दो उसको। जैसे वो पूरा निकलेगा तो उसके बाद अच्छा टाइम आएगा आपका, ठीक है। और जो ये स्टूडेंट लाइफ होती है ना, खासकर फॉरेन कंट्रियों में, ठीक है, एक टाइम हर एक स्टूडेंट के ऊपर आती है ये चीज़। 100 में से कोई होता है, चल 1-2-5-7% जो मतलब जो स्ट्रगल नहीं करते, पर 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, जो मतलब एक टाइम ऐसे ही पोजीशन पे आते हैं, उनको लगता है बस गए हम, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, उनको ऐसा लगता है। पर यार जब वो सिचुएशन से निकल रहे होते हैं ना, तो लाइफ में बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। शायद जो बच्चे स्ट्रगल नहीं करते इस सिचुएशन से, साल 6 महीने नहीं गुजरते, तो उनको वो एक्सपीरियंस होते भी नहीं जो इन लोगों को हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको जो टाइम है वो स्ट्रगल का, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। वो आने वाले टाइम में जब आप फैमिली वाले हो जाओगे, 20-30+ हो जाओगे, तब वो टाइम आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा कि आपने बहुत कुछ सीखोगे आप उस टाइम में, ठीक है। जब आर्मी में बंदा होता है ना, तो 9 महीने ट्रेनिंग करता है, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है उसकी। वो सोचता है कि यार कहाँ फंस गए, कहाँ पंगा ले लिया आर्मी में हमने, ओके, बहुत हार्ड होता है उसके लिए वो। पर वो 9 महीने के बाद, ठीक है, अगर लड़ाई भी लग जाए ना किसी कंट्री के साथ, तो वो वहाँ पे एक जोश के साथ लड़ता है, तब उसको स्ट्रगल नहीं लगता, ठीक है, वो सर्वाइव कर लेता है और बच भी जाता है, सिर्फ उस 9 महीने की वजह से, क्योंकि उसने वो ट्रेनिंग कर रखी है। तो गाइस जो हार्ड टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये हार्ड टाइम आपकी ट्रेनिंग है। स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ आता है, स्टूडेंट लाइफ में मतलब जो यहाँ पे रहते हैं ये बहुत, जो उनका 1 साल निकलेगा, 1.5 साल जो स्टडी तक का उनका टाइम निकलेगा, वो बहुत हार्ड टाइम होगा। आपको बहुत सूझबूझ से, ठीक है, तैयारी के साथ इससे निकलना है और अच्छी तरह निकलना है। चैलेंज आई है आपके लिए, इस चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके निकल जाओ इसमें से, ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आगे, ठीक है। इसमें कोई भी गलत स्टेप ना उठाओ, नशे की तरफ ना जाओ। बंदे को लगता है कि यार शायद नशा करूँगा तो दिमाग से टेंशन जाएगी, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। नशे की तरफ तो बिल्कुल ना जाओ, गलत थॉट्स आते हैं, सुसाइड तक का थॉट्स आए अगर मन में, या कोई और आए किसी और गलत काम का, तो उस टाइम, ठीक है, उस टाइम अपने आप को बिजी कर दो किसी के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ चले जाओ, घर पे चले जाओ, इंडिया चले जाओ यार, टिकट ले लो सबके, ठीक है। तो वो टाइम बचाओ अपना, ठीक है। हर एक को लगता है कि शायद यार मेरे साथ ही हो रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर किसी पे वो टाइम आता है, एक बार लाइफ में सबकी, ठीक है, एक बार लाइफ में सबकी एक टाइम जरूर आता है कि वो सोचता है कि यार शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरे ही दिन उल्टे हैं, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, ये वो, ठीक है। ये सब पे आता है भाई, ठीक है। हम आम इंसान हो आप, हम भी आम इंसान हैं, रामचंद्र जी और देख लो, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा खानदान, सबसे बड़े राजा, अश्वमेघ यज्ञ करने वाले, ठीक है भाई, उनको देख लो कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, ठीक है।
तो स्ट्रगल तो इस धरती पे जो भी आया भाई उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप कनाडा रह रहे हो, आप दिन का $100 बना सकते हो इजी, ठीक है, $100 बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चल नहीं भी बन रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे गुरुद्वारे इतने सारे हैं, आप खाना खा सकते हो, रहने की भी आप कुछ ना कुछ, ये 2-4 महीने आप ओके सुखे निकाल ही सकते हो यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं। गलत स्टेप ना उठाओ, कॉलेज की फीस नहीं भरी जा रही कोई बात नहीं, ना भरी जाए, अगर आप सही रहोगे, हेल्दी रहोगे, लाइफ रहेगी, तो आप दोबारा भी सेमेस्टर कर सकते हो, दोबारा फीस भर सकते हो, कहीं से किसी से मांग सकते हो, उधार ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ 5-10-20 हज़ार के चक्कर में अपने आप को डिप्रेस ना करो और अपनी लाइफ को सीरियस लो, ठीक है। ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स ना लेके आओ अपने अंदर कि भाई 20-30 हज़ार के चक्कर में यार मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, नो, ठीक है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनके अगर तुम उनको साफ बात करोगे, बात किया करो खुल के, भाई ऐसे मेरी समस्या है, मेरा पेरेंट्स के साथ, माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता, अपनी माँ बाप से शेयर करो, भाई मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मैं क्या करूँ ऐसे टाइम पे, वो आपको ना, आपके माँ बाप अपने एक एक घर की चीज़ बेच देंगे पर आपको मरने नहीं देंगे कभी, अपनी जान दे देंगे वो, पर वो आपको मरने नहीं देंगे। अगर उनको लास्ट टाइम पे भी पता लग जाएगा ना हमारा लड़का मर रहा है और हमारी जान दे के बच सकता है, तो वो आपको बचा लेंगे, ठीक है। उन पे विश्वास करो, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो कि भाई जो मर्जी है, कोई भी समस्या है जीवन में, इनके साथ शेयर करनी है हमने, ठीक है। बच्चे नहीं करते, दोस्त के साथ कर लेते हैं कई बारी, ठीक है, दोस्त के साथ भी करो, दोस्त भी हेल्प करते हैं, पर माँ बाप के साथ हर एक समस्या शेयर करो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो बाहर रहते हैं लोग, ठीक है। हमारी भी गलतियाँ थी ये, हम भी जब ऑस्ट्रेलिया में थे कहीं थे, परेशान होते रहते थे पर हम शेयर नहीं करते थे, ठीक है। तो ये बातें सबके साथ होती है लाइफ में, परेशान बुरा टाइम सब पे आता है, ठीक है, ये बात याद रखना। जिन जिन लोगों को आप आज देख रहे हो ना, यार पाजी वेल सेटल है, कोई आपके होंगे रिलेटिव जानकार, ये वो, किसी जिसकी बेसमेंट में आप रहते हो स्टूडेंट घर की, आपको लगता है यार ये बढ़िया, बाहर बड़ी बड़ी गड्डियाँ खड़ी हैं, ये ले रखा है, अच्छी गड्डी ले रहे हैं, सारा काम चाह टाइप बिजनेस है, ये है वो है, किसी दिन उनके पास बैठ जाओ बोल के कि भाजी 10 मिनट बैठते हैं, उनके पास बैठ जाओ, उनसे पूछो भाजी अपना एक्सपीरियंस बताओ, भाई साहब 100% वो बंदा अपना आपको ऐसा एक्सपीरियंस बताएगा, आपको लगेगा यार आपका तो कुछ भी नहीं है स्ट्रगल जितना उस बंदे ने किया, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी टेंशन ना लो, डिप्रेशन से दूर रहो, ठीक है, और उल्टा सीधे थॉट्स मन में ना लेके आओ, मेन चीज़, ठीक है। तो गाइस आज की जो मेरी वीडियो थी इसी बारे में थी कि जो भी बच्चे कनाडा आ रहे हैं या जिनके पेरेंट्स उनको बच्चों को भेज रहे हैं, प्लीज़ टोटल बात उनसे फ़ोन पे करी जाए, उनको पूछा जाए, भाई बच्चा अगर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के फ़ोन नहीं कर रहा तो तुम उनको फ़ोन करो, क्योंकि जब जब बच्चे परेशानी में होते हैं ना यहाँ पे कनाडा में, मैं माँ बाप के लिए वीडियो, जब बच्चे परेशानी में होते हैं ना यहाँ पे, अगर आपका बच्चा खुश है तो वो दूसरे दिन रोज़ आपको फ़ोन करेगा, अगर वो परेशानी में है ना तो वो आपको 10-10-15-15 दिन फ़ोन नहीं करेगा, आप करोगे तो वो फ़ोन काटेगा नहीं तो आपको मैसेज करेगा, वॉइस मैसेज छोड़ेगा कि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा करता हूँ। अगर आपका बच्चा आपके पास 20-25 दिन फ़ोन ना करे तो सोचो कि वो किसी नशे के चक्कर में पड़ गया, ठीक है, और आपका फर्ज बनता है कि उससे बात करो, कैसे भी कोई यहाँ पे जानकारी निकाल के उसके पास भेजो, ये वो पैसे की समस्या वो भी इंडिया से, जैसे कैसे करके थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करो, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, अगर आप 15-17 लाख रुपए लगा के बच्चे को कनाडा भेज सकते हो तो आप मेरे 5-10 हज़ार लाख का और इंतजाम करके उसको कम से कम उसकी हेल्प करो, ठीक है। बाकी है कि जो उसका स्टडी से लेके स्टडी पूरी होने तक 2 साल की जो उसका ये जो स्ट्रगल है उसमें और उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। जैसे ही उसको ओपन परमिट आता है तो वो काम भी उसको ईजी हो जाता है और वो ये स्ट्रगल वाला दौर उसका निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर बहुत से बच्चे मैंने देखे, ऐसे बात नहीं कि सभी बच्चे मतलब ऐसे गलत थॉट्स आते हैं मन में, ये वो, ऐसे बहुत कम होते हैं, 5-10%, 90%, 60% बच्चे ऐसे भी हैं जो इतनी मस्ती मारते हैं ना इंडिया से आते ही, काम भी करेंगे, उनको फिक्र नहीं होगी कि उनके जेब में एक पैसा नहीं है, उनकी जेब में है ना $1 नहीं है, पर वो इतना इंजॉय करते हैं ना बच्चे, काम भी फन सारा दिन, रेस्टोरेंट में पार्टी, ये वो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखी हैं स्टूडेंट, ठंडे 2-3 दिन मिल के मस्टैंग,
कन्वर्टेबल गाड़ियों की छतें ओपन करके बीच पे गेड़ियाँ लगा रहे हैं, मस्टैंग में शीशे डाउन करके पंजाबी गाने ये वो पूरी मतलब धूम धड़ाका है ना, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग पीछे सिद्धू मूसेवाले का स्टिकर, ठीक है। तो मतलब बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं और वो इस ये जो टाइम है ना उनका अच्छा टाइम है, ये इस टाइम में वो अपना स्ट्रगल भी निकाल देंगे और कुछ कर भी लेंगे और एक टाइम पे वो सेट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग स्टूडेंट बराबर में से निकलते हैं ना कार लेके, कई बार हम भी गए होते हैं तो कई बार स्टूडेंट बैठे होते हैं कार में, दो लड़के या दो, एक लड़का लड़की या दो लड़की या कई बार लड़कियाँ भी होती हैं है ना, वो कार में उन्होंने सनरूफ खोला है या कन्वर्टेबल कार खोल रखी है या शीशे डाउन किया है उन्होंने, अंदर पूरी म्यूज़िक चल रहा है, पूरी साउंड का रखा उन्होंने, अंदर सिस्टम लगाए हैं बड़े बड़े, और साथ में से निकलते हैं बुफर की आवाज़ तेज करके है ना, सिद्धू मूसेवाले के गाने ज़्यादा लगाते हैं स्टूडेंट, तो लगा के जब निकलते हैं पंजाबी गाने तो कुछ लोग बोलते हैं फुकरे ये वो है ना, पर भाई ये होता हूँ मैं जब मैं देखता हूँ उनको, मेरे को इतना खुशी मिलते हैं ना उनको देख के कि यार देख बंदे ये हैं मस्त बंदे, ठीक है। एक एक बंदा जो सारा दिन रूम में बैठा क्या करूँ काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मेरा मर गए, जॉब नहीं मेरा फ़ोन कर लिया, उनसे सही वो बंदे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई परवाह ना करो, अगर आप लोग इस उम्र में परवाह कर गए ना बस फिर सारी उम्र आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है। ये उम्र होती है मस्ती के लिए, ठीक है। आपको जितनी मर्जी समस्या में हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, इंजॉय करो, घूमो फिरो, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी सेहत सही है, मेंटली हेल्थी हो आप, डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। अगर आप बैठ गए ना एक बारी ऐसे करके फिर आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपका कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी पीआर भी रह रुक जाएगी, ठीक है, वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। 10-20-30 हज़ार रुपये अगर आपने खराब, यार किसी स्टूडेंट ने $10-20 हज़ार खराब कर दिया, सपोज करो कि उसने कोई खराब कर दिया पैसा, तो इस चक्कर में टेंशन ना ले कि ओ यार मैंने इतना पैसा खराब कर दिया, घर को का ये कर दिया वो कर दिया, ये सोचो कि कोई नहीं खराब कर दिया क्या, कमाऊंगा कनाडा भेज दिया, अगर वहाँ डॉलर बनता है 1 के 60 हैं कमा लूँगा, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अगर फाइल तुम्हारे पेपर वर्क खराब हो गया, सपोज करो किसी का पेपर वर्क खराब हो गया, पीआर नहीं हुई, वर्क परमिट नहीं, सालों इलीगल रह लो, पाँच सात साल इलीगल रहेगा, करोड़ 2 करोड़ कमा के इंडिया चले जाओ, उल्टे सीधे काम करने के, नशे की या सुसाइड की ऐसी बातें क्यों करनी, ठीक है। इलीगल रहो 5-7 साल रह के इधर उधर रिफ्यूजी रिफ्यूजी सो थोड़े यार यहाँ केस करते हैं लोग, अपना स्टेटस लो किसी भी तरह कोई भी, 5-4 साल रहो पैसा कमाओ, ठीक है, और अपना चले जाओ इंडिया, ठीक है, बढ़िया लाइफ जियो यार, कोई दिक्कत नहीं, नज़ारे लो, ठीक है भाई। और जो बच्चे मस्टैंगे घुमा रहे वो तो मस्त हैं, कोई चक्कर ही नहीं है उनका कुछ नहीं, वो ठीक है, जो मस्टैंग ले रहे, जो बड़ी बड़ी गड्डियाँ ले रहे बच्चे मजे मार रहे, ठीक है, उनको फाइनेंशियली कई बार पोजीशन ख़राब हो जाती है, उनकी खर्चे ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, पर वो सेट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चे जिसने ना इंजॉय करना है, बच्चे ने उसने कर ही लेना है, उसने चाहे अपने पैसे से चाहे अपने दोस्त के पैसे से उसने इंजॉय कर ही लेना है, ठीक है। और अगर उस पर पैसे नहीं भी होंगे ना तो अपने घर बैठ कर टीवी में सिद्धू मूसेवाले के गाने लगा के घर पर नाच लेता है वो, ठीक है। तो भाई अपने आप को मस्त रखो, ठीक है, और इन चीज़ों में ना जाओ, डिप्रेशन में ना, अपने आप को बचाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए वीडियो आई है और पेरेंट्स के लिए वीडियो है, अपने बच्चों को ऐसे समझाया करो कि मस्ती मारो यार, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो बहुत बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को मैं जानता हूँ ऐसे जो बहुत मस्त रहते हैं, यहाँ पे उनके पास एक टाइम पैसा नहीं भी होता ना फिर भी खिले रहते हैं, ठीक है, यह चीज़ होनी चाहिए। तो बाकी सेटलमेंट पीआर ये वो सब हो जाएगा आप लोगों का, धीरे धीरे करते रहो और नज़ारे लो, ठीक है जी। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और मेरे को लगता है कि इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए यार सरी में क्या हो रहा है, कहाँ क्या बच्चे किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, ठीक है। और भाई जितने लोग सरी में, जो लोग कनाडा में रहते हैं हाउस ओनर, बेसमेंट दे दिया करो यार बच्चों को, ठीक है। जो बच्चे आते हैं आपके पास
बोलते हैं कि कोई बंदा नॉर्मल सी बेसमेंट के 2500 2600 $2200 भी मांग लेते हैं स्टूडेंट देख के, भी चार पांच ले रहना है यार, हेल्प कर दिया करो उनकी। तो तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए कि चल यार 100 200 कम दे दिए कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर तो यार बीतता हुआ सारा टाइम, तुमने भी स्ट्रगल किया है, बच्चे हैं ऐसे ही तुम्हारे, ऐसे ही अपने बच्चे हैं, ठीक है, अपनी इंडिया से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प कर दो, उनको 2000 रुपये बेसमेंट चल रही है यार 1800 में दे दो उनको, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आप पे $200 का, अरुण का बेचारा को $200 में सारा महीने का खर्चा चल जाता है बच्चों का, ठीक है।